चलिए भाई, एक्सरसाइज टू पॉइंट वन, ये क्लास सेवेंथ का है। किसका? क्लास सेवन्थ का। इसमें क्या है, देखिए अभी तक मैंने आपको भिन्न की दो क्लास बताई हैं, एक तो भिन्न का जोड़ना और एक भिन्न का घटाना, सॉरी गुणा और भाग वाली। तो आज जो बात करेंगे ना हम, वो सेम इन्हीं पे जो दो क्लास हुई हैं उन्हीं पर बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 में, क्लास सेवन्थ की एक्सरसाइज है, ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अभी आप क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट, टू माइनस थ्री अपॉन फाइव, इसको जो सीटेट वाले हैं, देखो ये दोनों के लिए, सेवन्थ क्लास के लिए भी और सीटेट वालों के लिए भी। सीटेट वाले हैं उनका थोड़ा लेवल ऊपर होगा, तो इसको जल्दी कैसे सॉल्व करें भाई? ऐसा तो है नहीं कि सीटेट वाले भी सेवन्थ क्लास के लेवल पर बैठे हैं, नहीं, वो एक एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उनके लिए क्या है, हम इस पाँच की इस दो में गुणा करते हैं। देखो डायरेक्ट मेथड ये है, इस पाँच की दो में गुणा करके और तीन घटा देंगे, तो 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए और बटे में 5, यानी आंसर जो अल्टीमेटली आएगा वो आएगा 7/5। अब मैं जो सेवन्थ क्लास के स्टूडेंट हैं उनके स्टैंडर्ड की बात करता हूँ, सेवन्थ क्लास के, धीरे धीरे सेवन्थ क्लास के स्टूडेंट का भी स्टैंडर्ड अप होगा, तो उनको समझाने के लिए जो मैं बताता हूँ, मैं आपको वो बताता हूँ ऐसे। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे वन मान लो। अब एक और पाँच का जो सार्वगुणज होगा वो क्या होगा, पाँच, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, और 5 एकम 5 10, 5 3 15, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। तो सबसे छोटा गुणज कौन सा है जो दोनों के टेबल में आए? तो ये 5 ही है भाई, तो एलसीएम कितना आया, 5। एक से कितनी बार कटेगा, एक के पहाड़े में 5 कितनी बार में आता है, 5 बार में, तो 5 की ऊपर गुणा माइनस, 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है, एक बार में, तो 3 की एक बार में गुणा, तो ये 10 माइनस का 3/5, तो ये हो गया 7/5। ठीक, इसको डायरेक्ट मेथड के हिसाब से मैं बताता हूँ आपको, तो 5 को 2 से गुणा करके 3 घटा दो, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। आप एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, उसको करना, नोट डाउन कीजिए इसको। दूसरा क्वेश्चन सेम है, 4+7/8, 4+7/8, 4+, दूसरा क्वेश्चन है इसका, 4+7/8, सेकंड पार्ट क्या है, 4+7/8, मैंने क्या बताया, इस 8 की 4 में गुणा करो, 8 चौके 32, और 7 को क्या कर दो, ऐड कर दो और अपॉन में 8 लिख दो, तो ये हो गया 32 और 7 39/8, यही हमारा क्या है, आंसर है। अगर मैं स्टूडेंट के हिसाब से देखता हूँ तो 4/1+7/8, जब 1 और 8 का एलसीएम लेते हैं तो 8 ही आता है, ये ध्यान रखना। जब एक से कितनी बार कटेगा, 8 टाइम्स, और 8 टाइम्स जितने टाइम्स कटेगा उतनी, यानी जितनी बार कटेगा उतने की ऊपर गुणा करनी है, प्लस का 7 × ये 8 से 1 टाइम कटेगा, 1 की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दी, 32+7/8, तो ये हो गया 39/8। ये तो था इसका ट्रेडिशनल मेथड जो हम करते हैं। ठीक, थोड़ा शॉर्ट के लिए हम इसको ऐसे कर देते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये दोनों के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि सेवन्थ क्लास के नहीं पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे सेवन्थ क्लास के बच्चे। अब चलता हूँ मैं थर्ड पार्ट की तरफ, देखो इसमें कई सारे पार्ट हैं, अभी जो आएगा ना आपके पास वो मिश्रित भिन्न जो आएगी ना,
मिक्स फ्रैक्शन, वो उसको ऐसे ही सॉल्व करना है, इधर मल्टीप्लाई करके और ऊपर वाला जोड़ देना है। थर्ड पार्ट की तरफ चलता हूँ मैं, 3 अपॉन 5 प्लस के कितना है? 2 अपॉन 7। मैंने एलसीएम लिया, 35 आया। सार्वगुणज आपको बता रखा है, एक टेबल लिखना आप राइट साइड में, और उसमें ये देखना है हमें, जैसे मैं 5 का टेबल लिखता हूँ, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। 7 का लिखता हूँ, 7 × 14 = 21, 7 × 28 = 35, 7 × 35 = 46, 49। तो यहाँ में एक चीज़ देखना है, क्या देखनी है भाई, कि सबसे छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आ रहा हो वो क्या है। सबसे छोटा टेबल जो दोनों के सॉरी सबसे छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आता है वो है 35, 35। अब 5 से 35 कितनी टाइम कटेगा? 7 टाइम। तो 7 की हमें ऊपर मल्टीप्लाई प्लस 2 × 7 से ये 35 कितने टाइम? 5 टाइम। तो 5 की ऊपर मल्टीप्लाई, तो 7 × 21 प्लस के 10/35, तो ये हो गया 31/35, आंसर हो गया हमारा। चलो इसके बाद मैं आपको एक 3 वाला और बता देता हूँ। 3 वाले का भी फ्रैक्शन ये सार्वगुणज जैसे ही लेना है। एक 3 वाला बताऊंगा और एक मैं बताऊंगा तुम्हें मिक्स फ्रैक्शन का। तीन वाले में क्या है, 7/10 प्लस का 2/5 और 3/5, ये हमारा कौन सा पार्ट? पांचवा पार्ट। अब सबसे पहला जो काम होता है ना हमारा, क्या होता है भाई, इनके सार्वगुणज लेना। तो 10, 20, 30, 40, 50, 5, 10, 15, 20, 25, 2, 4, 6, 8, 10। एक ऐसा नंबर सबसे छोटा, कौन सा? सबसे छोटा, तो जो तीनों में हो, सबसे छोटा हो और तीनों में होना चाहिए हो। तो देखेंगे 10 जो है ना, 10 ये सबसे छोटा नंबर है और तीनों में है ये। 10 से छोटा कोई नंबर नहीं जो तीनों में हो। तो एलसीएम आया हमारा 10, सार्वगुणज। तो 10 से ये कितनी बार कटेगा? 10 एक बार। तो एक बार जितनी बार कटता है उतनी मल्टीप्लाई ऊपर। 5 से 10 कितनी बार कटता है? 2 बार में। तो 2 बार में फिर मल्टीप्लाई ऊपर। फिर 2 से ये 10 कितनी बार कटता है? 5 बार। तो 5 बार कटता है मल्टीप्लाई ऊपर। 7 + 4 + 15 / 10, 7 × 4 = 11, ये हो गए हमारे 26/10। इसको सिंपलीफाई कर देते हैं तो 13/5 आ जाता है हमारा 5 आंसर। चलिए भाई अब हम बात करते हैं किसकी, मिक्स फ्रैक्शन की, कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो छठा पार्ट वही है, 2 सही 2/3 + 3 सही 1/2। छठा पार्ट क्या है? 2 सही 2/3 + 3 सही 1/2। 3 सही 1/2। पहले तो करने से पहले मुझे करना क्या है, इनको एक अंश बटे हर के रूप में लिखना है, यानी इसको सॉल्व करना है पहले। मिश्रित भी इनको जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है या इम्प्रॉपर, उचित भिन्न या विषम भिन्न, जो भी बनेगी ये। तो मैं करूं क्या, इस 3 की इस 2 में गुणा करके इस 2 को जोड़ दूं, 3 × 2 = 6,
छः और दो एट, एट अपॉन थ्री प्लस इस टू की इसमें गुणा करो थ्री में, सिक्स हो गया, सिक्स में एक जोड़ दो सेवन अपॉन टू हो गया। अब सार गुणा जाया इनका छः, देखो तीन एकम तीन, तीन दून छः, तीन तिया नौ, तीन चौक बारह, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीय छः, तो छः जो नंबर है ना वो सबसे छोटा जो तीनों में दोनों में कॉमन है। तीन से कितनी बार, दो बार, तो आठ की मल्टीप्लाई दो में प्लस दो से ये तीन बार, तो तीन की मल्टीप्लाई ऊपर, आठ दूनी सोलह और सात तिया इक्कीस बटे छः, आंसर आ गया हमारा सैंतीस बटे छः। आई बात समझ में? तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, तीन दूनी छः और दो आठ और बटे में तीन, टू थ्री या सिक्स प्लस वन सेवन अपॉन बटे में टू। आई बात समझ में? इसको नोट डाउन कीजिए, इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है ना वो आपको खुद करने हैं, ठीक। अब मैं बताता हूँ आपको इसके बाद अवरोही क्रम। अब बात करता हूँ मैं इसका क्वेश्चन नंबर टू, क्या है कि इनको हमें अवरोही क्रम में लिखना है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, अवरोही या डिसेंडिंग। एक होता है आरोही या असेंडिंग, ठीक। ये दो तरीके के ऑर्डर हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक। तो इसमें क्या होता है, हम ग्रेटर वैल्यू से स्मॉल की तरफ जाते हैं, किससे, ग्रेटर वैल्यू से स्मॉल की तरफ, और इसमें स्मॉल वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू की तरफ। तो क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना, पहला पार्ट क्या है, दो बटे नौ और दो बटे तीन और आठ बटे इक्कीस। जब तक तुम नहीं बता सकते, जब तक इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो इक्वल ना हो जाए, जब तक तुम बिल्कुल नहीं बता सकते कि ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि हम न्यूमरेटर को देख के ही पता करेंगे कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो इसके जो डिनोमिनेटर है ना इसको इक्वल कर लो, इसको इक्वल कर लो, इसका सार्वगुणज देखोगे ना तुम तो आएगा 63 जो नंबर है ना वो ऐसा नंबर है जो 9 से भी डिविजिबल है, 3 से भी और 21 से भी। तो मुझे हर एक के नीचे, यानी इसके नीचे भी 63, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, तो 63 की ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी। देखो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, देखो एलसीएम लेना सीखो पहले, छोड़ो क्योंकि सार्वगुणज में कब तक उलझे रहोगे। ये 9 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ 21 लिखते हैं, पहले ये देखते हैं ये किसके टेबल में आ रहे हैं। अगर सारे किसी के टेबल में आ जाते हैं, 9 भी आ जाता है, 3 भी आ जाता है, 21 आ जाता है, उसी से काट लो। अगर कोई नहीं आता ना तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, जो कटता है उसको काट लो, जो कटेगा उसको काट लो। आओ भाई, तो मैं 3 से काटता हूँ इसको, तो 3 से कितनी टाइम कटेगा, 3 बार, और ये 3 से 1 बार, और ये 3 से 7 बार। अब 3 से काटूँगा मैं, 3 से ये तो कट जाएगा बट ये नहीं कटेगा, तो जो कट जाता है उसको काट लो, जो नहीं कटता उसको नेक्स्ट टाइम में काट लेना। और 7, अब ये 7 के टेबल में ही आएगा, और तब तक काटते हैं जब तक लास्ट में 1-1 ना बच जाए। तो अगर हम इन तीनों की गुणा करते हैं, 7 थी 21, 21 थी 3 × 3 × 7, तो हमारा 63 आता है रिजल्ट। तो ये एलसीएम लेना है। अब मैं करूँगा क्या, इसके जो डिनोमिनेटर हैं इनको मुझे 63 बनाना है, तो जितने की मल्टीप्लाई मैं ऊपर करूँगा ना उतने की ही मुझे नीचे कर, ऊपर और नीचे दोनों सेम मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 2/9 इसमें मुझे 63 बनाना है, तो 7 की मल्टीप्लाई नीचे करिए तो 7 की ही मुझे ऊपर करनी पड़ेगी। ऐसे ही यहाँ 2/3, तो यहाँ 21 की मल्टीप्लाई मैं नीचे कर रहा हूँ तो 21 की ही मुझे ऊपर करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 की ही मुझे ऊपर करनी पड़ेगी।
अब हमारे जो आए ये आए 14/63 और 42/63 और 24/63। अब तुम यहाँ से देख के जल्दी से क्लिक कर जाओगे कि भाई कौन सा बड़ा है। पहले देखो अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो पहले सबसे बड़ा ढूंढो, यानी जो बीच में है वो सबसे बड़ा, पहले आएगा सबसे बड़ा 2/3 बड़ा है, फिर इसके बाद लास्ट यानी 8/21 बड़ा है, फिर सबसे छोटा कौन है 2/9। ये तो हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी का उल्टा कर दोगे यानी इसकी इधर पूंछ को इसका मुंह बना दोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमें करना पड़ेगा तभी हम, देखो हम किसी भी फ्रैक्शन को बड़ी या छोटी है वो तब तक नहीं बता सकते जब तक उनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं हो जाते। फिर हमें करना पड़ता है बस ऊपर की वैल्यू यानी न्यूमरेटर की वैल्यू देखनी होती है और उसी से हम आइडिया लगा लेते हैं कि भाई ये 14 है, ये 42 है और ये 24 है, तो कौन सा बड़ा है इसमें 42 वाला, फिर उसके बाद 24 वाला और सबसे छोटा कौन है 14/63। तो जैसे जैसे हम लिख रहे हैं उसी सीक्वेंस में आप ऊपर इनको एडजस्ट कर दो। ठीक भाई, चलिए अब इसका जो एक क्वेश्चन है ना वो आपके होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आज की क्लास बस यहीं पर रोकते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। ठीक, तो ये जो बताया ना मैंने अवरोही और आरोही क्रम, तो ये करना ऐसे ही है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, लाइटली मत लेना इसको कि कभी सोचो चलो ऐसे ही है, नहीं, थोड़ा सा टाइम देना इस पर। कहने का मतलब मेरा ये है क्योंकि अगर ये आ जाएगा ना, ये आने वाले टाइम में बहुत जगह काम आएगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। चलिए भाई